सोचिए आप कभी किसी बेटिंग ऐप पर पैसा लगाते हैं, उसमें आप जीत भी जाते हैं और पैसा आपके अकाउंट में आ भी जाता है, लेकिन इसके बाद आपको पता चलता है कि जो पैसा आपने कमाया है ये इलीगल है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब आपसे इसका सोर्स पूछता है तो आप उसे बताते हैं कि आपने इस बेटिंग ऐप से पैसा कमाया, और इसके बाद भी आप पर कार्रवाई हो जाती है, आप कानूनी पचड़े में पड़ जाते हैं। शायद उस स्थिति में आप ये समझ भी ना पाएं कि आपके साथ क्या हो रहा है, इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे ऐप्स के बारे में बताएंगे जो इंडिया में बिजनेस तो कर रहे हैं लेकिन पूरी तरीके से उनका बिजनेस मॉडल इलीगल है, और उन ऐप्स पर अगर आप पैसा लगाते हैं तो आप भी जेल जा सकते हैं। और इसके साथ ही हम ये भी देखेंगे कि कौन से ऐप्स लीगल हैं और कौन से ऐप्स इलीगल हैं। चलिए अब देखते हैं भारत में बैटिंग को लेकर रूल क्या है। भारत में किसी भी प्रकार की बैटिंग या सट्टेबाजी पूरी तरीके से बैन है, मतलब आप भारत में नहीं सट्टेबाजी कर सकते हैं और नहीं सट्टेबाजी करवा सकते हैं। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि यार ये ड्रीम इलेवन, माई सर्कल इलेवन तो बड़े अच्छे से धंधा कर रहे हैं, एड्स चला रहे हैं और ये सरकार को टैक्स भी देते हैं, तो ये कैसे लीगल हो गए? आपके सवाल का जवाब देता है पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867। पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 गैम्बलिंग को दो भागों में बांटता है, पहला गेम ऑफ स्किल्स और दूसरा गेम ऑफ चांस। इसमें से गेम ऑफ स्किल्स में वो गेम आते हैं जो आपको फैंटेसी गेम्स खिलवाते हैं, जैसे ड्रीम इलेवन, माई सर्कल इलेवन। इनमें आप किसी टीम को सिलेक्ट करते हैं, आप रिसर्च करते हैं, आप ये देखते हैं कि कौन खिलाड़ी खेल सकता है, कौन खिलाड़ी नहीं खेल सकता है, किसकी फॉर्म क्या है। यहाँ आप कहीं ना कहीं अपनी स्किल्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और अगर आप कहीं अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए पैसा लगाकर पैसा जीतते हैं तो वो चीज़ गैम्बलिंग में नहीं आती है, और वो चीज़ इंडिया में लीगल है, इसीलिए ड्रीम इलेवन, माई सर्कल इलेवन जैसे ऐप्स इंडिया में लीगल माने जाते हैं। और बात करें गेम बाई चांस की, तो वहाँ आपको किसी प्रकार की स्किल का इस्तेमाल नहीं करना होता है। वहाँ आप किसी टीम की हार या जीत पर, किसी खिलाड़ी के चलने या ना चलने पर, या उसके रनों पर पैसा लगाते हैं। यहाँ आपकी स्किल्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ पूरा का पूरा आपका लक का इस्तेमाल है। यानी कि अगर आप किसी की किस्मत चली और कोई खिलाड़ी चल गया तो आप पैसा कमा लेंगे, अगर नहीं चला तो आपका सारा पैसा डूब जाएगा, और ये चीज़ इंडिया में इलीगल मानी जाती है। इसलिए ही भारत में जैसे 1x बैट है, पारी मैच है, बैटवे है, बैट 365 है, इस तरीके के ऐप्स जो धंधा कर रहे हैं वो पूरी तरीके से इलीगल है, और यहाँ पैसा लगाने पर आपको भी सजा हो सकती है। चलिए जानते हैं सजा कितनी हो सकती है। लेकिन यार उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे भी हम इन बैटिंग ऐप्स से रिलेटेड कई इंटरेस्टिंग वीडियोस लाने वाले हैं। देखिए अगर आप बैटवे या बैट 365 या पारी मैच या 1x बैट, फोरा बैट, जितने भी ये ऐप्स हैं, अगर आप इन ऐप्स में पैसा लगाते हैं जहां गेम बाई लक या गेम बाई चांस से आपको मैच खिलाए जाते हैं और वहां पैसा उस आधार पर लगता है, तो वहां आपको 100 रुपये का जुर्माना और 1 महीने तक की जेल हो सकती है। देखो ऐसा है, ये ऐप्स या कंपनियां सिर्फ हमारे लिए, आपके लिए या पब्लिक के लिए ही खतरा नहीं है, बल्कि ये कंपनियां सरकार को भी हजारों करोड़ का चूना लगा रही हैं। इस पर हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप भी बोर हो जाएंगे, इसलिए हम इस पर अगली वीडियो में बात करेंगे। तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना।